जल्दी बैठ अलका, बहुत सारे नोट्स तैयार करने हैं। अज्जू, हमें लगता है पूजा और सपना के बारे में घर वालों को बता देना चाहिए। नहीं अलका, पूजा और सपना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, घर में इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन अज्जू, अब कोई और रास्ता नहीं है, और इससे पहले बात और बिगड़े हमें फौरन जाके दादी को सब कुछ बता देना चाहिए। सिर्फ वही है जो हमारी बात को समझ सकती है। तू पागल हो गई है? कुछ नहीं होगा अज्जू, देख पूजा और सपना को मैं इस तरीके से अलग होते नहीं देख सकती, और अगर वो दोनों अलग हुई तो हम चारों की दोस्ती टूट जाएगी। बोल, तुझे मंजूर है? नहीं अलका, लेकिन मैं सोच रही थी क्यों ना एक बार पूजा और सपना से बात कर ले। बात करके कोई फायदा नहीं, वो हमारी सुनने को तैयार हो तब ना। क्यों नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। हम एक बार चलकर उन्हें फिर से समझाते हैं। कुछ फायदा नहीं अज्जू, इससे पहले दादी जौनपुर चली जाए हमें उन्हें सब बताना होगा। तू चल हमारे साथ। सुन तो, चल ना। क्या हुआ है? अरे ऐसे घुटने तक मुंह क्यों लटका रखा है? अरे हम कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है कि हमें पता चल जाएगा। बोलो ना, क्या बात है? दादी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते थे। खास बात है? अच्छा, बता क्या? दादी, वो हम आपसे तुम लोगों की आपस में कोई बात हुई है, हैं? वो बताना चाहती है ना? माँ जल्दी करो, 10 बजे वाली बस अगर छूट गई तो सीधे शाम को बस मिलेगी। हाँ हाँ, आ रहे आ रहे। हाँ बता, क्या बात है? दादी, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि आप लौट के कब आएंगी। हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन हमारे आने तक तुम लोग जरा खुश होके रहना। आ इधर। अरे पूजा, अरे ये क्या लापरवाही है? देख तो सपना के बाल, ये कैसे ऊसर की घास की तरह हो गए हैं। आजकल सपना के बालों में तेल नहीं लगा रही क्या? अरे हमसे मुंह क्यों छुपा रही हो? और अगर मेरे वापस आने तक हमारी सपना टिप टॉप नहीं मिली ना, तो मैं तेरी चोटी खींचूंगी। अरे पकड़ के रखियो। हाँ, अरे भैया, हे राम। अरे खुश रहो, मेरे जाने के बाद आपस में मेल मिलाप से रहना है।
मैं तो भूल गई, कैसे भूल गई, ये है जेब खर्ची है? तुम लोग नहीं, मैं अभी नहीं दूंगी, पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। पीछे से तुम लोगों को शिवालय की रोज सफाई करनी होगी और सुबह शाम दियावती कर देना है? चल ले सपना, ले पूजा, 5-5 रुपए आपस में बांट लेना चारों। ले ले बेटा। जल्दी करो। हाँ, अरे हाँ, और अपने हंसी ठट्टे में मेरा काम मत भूल जाना है? चलो भैया। सपना ला दे, मैं कर देती। रहने दो ना अज्जू, दूसरों की मदद लेना छोड़ दिया है हमने। और आइंदा किसी को भी हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है, बच्ची नहीं है हम। मैं सब जानती हूँ कि तू ये क्यों बोल रही है, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि तू पूजा को सुना रही है? हमने कह दिया ना, अब आगे से अपना काम हम खुद करेंगे। इस बात को जैसे समझना है समझ लो अज्जू। मुझे कुछ नहीं समझना सपना, मैं चाहती हूँ कि हम चारों फिर से दोस्त हो जाएं। पता है पूरा बनारस कहता है कि हमारे तीनों घरों की दीवारें जितनी मजबूत है ना, उससे कहीं ज्यादा मजबूत इस घर में रहने वालों के रिश्ते हैं। लेकिन तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारा ये रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। 3 पीढ़ियों से हमारे घरों ने एक दूसरे का सुख दुख बांटा है, कहीं कहीं तुम दोनों के मनमुटाव से हमारे घर भी ना बच जाए। पूजा पूजा पूजा, दादी कहती है कि हम सब में सबसे समझदार तू है, तो तू ये आजकल बचपना क्यों कर रही है? छोड़ना ये लड़ाई झगड़ा, भूल जाए इन सारी बातों को। इन फालतू लड़ाई झगड़ों से कहीं बढ़कर है हमारा ये रिश्ता। मुझे मत सिखाई समझदारी की बातें। लेकिन पूजा, बस करो तुम लोग, कब तक एक ही बात को लेकर मेरे पीछे पड़े रहोगे? ये प्रॉब्लम मेरी और सपना की है, इसे हमारे बीच ही रहने दो। तुम दोनों मिलकर तमाशा क्यों बना रहे हो? पूजा, तमाशा तो तुम बना रही हो, हमें तो यकीन भी नहीं होता कि तुम ये सब कह सकती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बार बार धुतकारे जाने पर भी हम तुमसे बहस करने क्यों आते हैं? क्योंकि हम तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं। हम 3 परिवार के हिस्से जरूर हैं पूजा, पर हमारी खुशियां हमारे सपने हमेशा एक हुआ करते थे। तुम्हारे आज इस रवैये की वजह से हम चारों की दोस्ती टूट रही है और इसलिए हमें प्रॉब्लम है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम और सपना झगड़ा करना बंद कर दो और तुम्हारी इस लड़ाई का अंजाम हम तीनों परिवारों को भुगतना पड़ेगा। बस करो अलका, ये सब भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानती हूं मैं कि कौन किससे कितना प्यार करता है और किसे रिश्तों की कितनी कदर है।
ये मेरी जिंदगी है और मैं जिससे चाहूं बात करूं या ना करूं। तुम्हें क्या, आइंदा मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। अलका, सपना हमें दे दो, हमें बोल दो, हम लिख देंगे। तुम्हारी उंगली में चोट है ना? माँ आप परेशान मत हो, हम खुद कर लेंगे। और वैसे भी आज पहली बार अपने हाथ से काम करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल इतने पसीने पसीने क्यों हो रहे हो, कहाँ गए थे? अरे चाची कुछ नहीं, वो जरा मानस मंदिर गया था, वहां पे कुछ दोस्त मिल गए, बस क्रिकेट खेलने लग गए। अरे चाची ये क्या, आपने इसे दूध में क्या घोल कर दिया है? राजकुमारी सपना अपना होमवर्क स्वयं अपने हाथों से कर रही है। देखो राहुल, हम मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है, आज रात तक सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं, डिस्टर्ब मत करो। ऑलराइट, लेकिन तू अपना होमवर्क खुद कब से करने लग गई? तेरा होमवर्क तो हमेशा पूजा के, ये लो, थिंक ऑफ द डेविल एंड हियर शी कम्स। पूजा ये सपना अपना होमवर्क खुद कर रही है, तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी? अरे भाई बात क्या है, तुम लोगों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ ना? सपना दूध, चाची क्या बात है, ये सपना और पूजा बिना कुछ बोले ही चली गई, दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं तो छोड़ो ना ये सब,
तुम हाथ मुंह धोकर आओ, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ माँ की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना तुमसे? आखिर फिर से वही सब शुरू कर दिया जिसके लिए हमने तुम्हें मना किया था। क्यों पूजा, क्यों सपना की जिंदगी से दूर नहीं चली जाती तुम? देख नहीं रही तुम्हारे बिना हमारी बेटी अपनी जिंदगी जीना शुरू कर चुकी है। क्यों सपना की जिंदगी से दूर नहीं जा सकती तुम? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हमारी बेटी को? चाची मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन उसके हाथ में चोट देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इज्जत में आकर वो होमवर्क कर तो रही थी, लेकिन मैं जानती हूँ उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। इसकी परवाह तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, घर में और लोग हैं उसकी देखभाल के लिए। तुम बस हमारी बेटी से दूर रहो। चाची एक धागे को भी टूटने में वक्त लगता है, ये तो बचपन का रिश्ता है। मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। तुम्हें देने के लिए हमारे पास एक पल भी नहीं है। सपना के करीब रहना चाहती हो ना तुम, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे।
जिस आग में तुम्हारा और सपना का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जला देंगे हम, 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 हमेशा हमेशा के लिए जला देंगे हम।